नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष का किया गया जोरदार स्वागत, विनीत कुशवाहा का। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा पहुंचे सुल्तानपुर, जहां सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेता अब्बास अहमद ने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ विनीत कुशवाहा ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी और आप सबकी जिम्मेदारी पार्टी को लेकर बढ़ गई है और सभी लोग 2024 के चुनाव के लिए लग जाइए और केंद्र में सरकार बनाने का काम करिए। इसी के साथ राजेश यादव ने कहा, हमारे जिले में छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा प्रथम आगमन पर हम लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं और पार्टी की मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष सुल्तानपुर पहुंचकर हम लोगों में ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव, जिला महासचिव सलाहुद्दीन अहमद, ब्रजेश यादव, पंकज कानूपुर, प्रधान लक्ष्मी नारायण तिवारी, आशुतोष यादव, डॉक्टर उदय नाथ यादव, मोनू यादव, राजेश साहू, जिला पंचायत सदस्य रंजीत यादव, पवन यादव, सनी यादव, राजू चौधरी, सुरेंद्र यादव, डॉक्टर सुरेश यादव, परमात्मा यादव, अजय कुमार यादव, सहेजाद अहमद, राम प्रकाश मौर्य, देवेंद्र यादव उर्फ गुड्डू, आशु तिवारी, राकेश श्रीवास्तव, दीपू, पप्पू यादव, प्रधान दिनेश चंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से हरिकेश यादव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो नौजवानों को, जो तेज तर्रार साथी विनीत कुशवाहा जी को हमारे संघर्षों के साथी रहे, हम लोग सुल्तानपुर से मथुरा साइकिल भी चलाए, ऐसे नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सुल्तानपुर जनपद में आ रहे हैं, हम लोग मजबूती से ढोल नगाड़े के साथ में समाजवादी छात्र सभा पूरी तरीके से सड़क में आके विनीत कुशवाहा जी का पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे जनपद सुल्तानपुर में। संदेश यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को, जो संघर्ष जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेताओं को, जो नौजवान हैं, किसानों के घर में पैदा हुए हैं, उनको जो है आगे बढ़ाया है और समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज उनका कार्यक्रम का आगमन है। आज हम लोग पूरा नौजवान सुल्तानपुर का उनका स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए एकदम रोड पे है, उनके स्वागत की तैयारियां हैं और जिस तरह से नौजवानों के साथ ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा किया है, छलावा किया है, ये पूरा नौजवान आक्रोश में है। ये सादा तय सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और एक जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा मुझे समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष बनने के बाद मेरा लगातार संगठन विस्तार और समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। पहले मऊ, बलिया, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, आज इसी क्रम में सुल्तानपुर में यह कार्यक्रम किया गया था। नौजवानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी जो कुठाराघात कर रही है, उनके छात्र संघों को बंद कर दिया है, विश्वविद्यालय में फीस महंगी कर दी है और छात्रवृत्ति की सबसे बड़ी समस्या आज प्रदेश के अंदर है। 70-80% नौजवानों को, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले नौजवानों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिली है। इसको लेकर हम संगठन का विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद इन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद। हम सबके साथी नौजवानों के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाए गए विनीत कुशवाहा जी हमारे बीच आ रहे हैं, उनका आज हम सब भव्य स्वागत कर रहे हैं जगह जगह पे, वहाँ केनाई के पास, पंचमुखी के पास, पार्टी कार्यालय पर, और बधाई देना चाहता हूँ उन नौजवान छात्रों को जो मजबूती से आज उनका स्वागत करेंगे हम सब मिलकर। सर, जैसे देखा जाए कि अभी 2024 का चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियाँ अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी हैं, तो आपकी पार्टी कैसे मजबूती? आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और 15 अगस्त तक जन पंचायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आयोजित की गई है, जहां हम नौजवान साथियों के साथ मिलकर जगह जगह गांव में जाकर पंचायत का जो विकास कार्य किया गया है उसको बताने का काम करेंगे और मजबूती से 2024 में ये आतताई सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।